तो आज मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ सर्वाइव करने की 400 डेज इन जंगल ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। और हमेशा की तरह इस बार भी मेरे पास बहुत सारे गोल्स हैं। मेरा मेन गोल है कि मुझे बनाना है 5 बीकन्स को। उसमें होगा एक गोल्ड का बीकन, एक एमरल्ड का बीकन और 3 आयरन के बीकन्स। एंड इस वीडियो में मैं 3 विदर को एक साथ फाइट करने वाला हूँ, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा एपिक होने वाला है। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे इस वीडियो को बनाने में लिटरली 60 आवर्स से ज्यादा टाइम की मेहनत लगी है, और तुम लोगों को सिर्फ 1 सेकंड लगेगा इस वीडियो को लाइक करने में। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना एंड जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हे गाइस, मैं सातुक सो, और फिर से तुम लोगों का स्वागत है अपने जंगल ओनली वर्ल्ड में। ओके, तो ये है डे 300 की रात और मुझे अभी थोड़े से फायर वर्क रॉकेट्स बनाने हैं, तो इसीलिए मैं थोड़े से शुगर केन्स को तोड़ूंगा। और ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है? इन्हें मैंने थोड़े से शुगर केन को तोड़ लिया और उसके बाद मैंने इनसे पेपर्स बनाए, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अभी जाके सोना चाहिए, तो मैं जाके सो गया। तो डे 301 को मैं चला गया अपने क्रीपर फार्म में। यहाँ पर मैं AFK करने वाला था ताकि मुझे गन पाउडर मिले। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे तुम लोगों को कुछ कहना चाहिए। सो थैंक यू तुम लोगों का 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए। हम लोग 1/4 वे में आ चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के। अभी ज्यादा नहीं, बस 3/4 वे बाकी है। एनीवेज, हम लोग डायरेक्टली 1 मिलियन के लिए एम नहीं करेंगे। हम लोगों का नेक्स्ट एम है 300 के सब्सक्राइबर्स। तो अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ एंड तुम लोग इस चीज को रिग्रेट नहीं करोगे। तो या करो सब्सक्राइब। उसके बाद मैं रात को नीचे चला गया और मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे गन पाउडर इकट्ठे हो चुके हैं। फिर मैंने इनसे फायर वर्क रॉकेट्स बनाए। एंड यहाँ से जब मैं बाहर जा रहा था तो एक क्रीपर ब्लास्ट हुआ। पता नहीं ये कहाँ से आया, बट इसने यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। एनीवेज, उस क्रीपर की वजह से मुझे एक एक्सोलोटल मिल गया। कुछ तो फायदा हुआ इसका। You are right, bro. उसके बाद मुझे यहाँ पे बहुत सारे क्रीपर्स और स्केलेटन्स दिखाई दिए। तो उस टाइम मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, और वो आइडिया ये था कि मैं इनसे म्यूजिक डिस्क ले सकता था। लाइक अगर क्रीपर्स को स्केलेटन्स के एरोस हिट करेंगे तो मुझे एक म्यूजिक डिस्क मिल जाएगा। तो मैं क्रीपर्स को स्केलेटन्स के एरोस के पाथ में डाल रहा था ताकि जब स्केलेटन्स मुझे मारे तो क्रीपर्स को लग जाए। एंड यहाँ पर मुझे एक म्यूजिक डिस्क मिला। क्या सोच है रे तेरी? फिर मैंने और थोड़ी म्यूजिक डिस्क फाइंड करने की कोशिश करी, बट यहाँ पे स्केलेटन स्पॉन नहीं हो रहे थे तो मुझे नहीं मिला। एनीवेज, उसके बाद मैंने जाकर उस एक्सलॉटल को उसके दोस्तों के साथ छोड़ दिया। ये थोड़ी देर तक उछल रहा था, फिर ये अपने आप अपने दोस्तों के साथ चला गया। अब इनके रिंगर रिंगर रोसेस में ये भी शामिल हो चुका है। एनीवेज, ये दिखने में पिकाचू की तरह है, तो हम लोग इसको पिकाचू बुलाएंगे, बट अगली वीडियो से। उसके बाद मैंने जाकर इस मैच को ठीक किया। मुझे क्रीपर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर मैंने एक शल्कर बॉक्स में बहुत सारे फायरवर्क रॉकेट्स रख दिए। मैं डेडिकेटेड शल्कर बॉक्स बनाना चाहता था फायरवर्क रॉकेट्स के लिए। एंड तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा हो टूटने को हो चुका है, तो मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं चला गया अपने एंड पोर्टल में। यहाँ पर मैंने अपने एंडरमैन एक्सपी फार्म में जाकर बहुत सारे एंडरमैन को मारे। इस एंडरमैन एक्सपी फार्म को मैंने लास्ट वीडियो में बिल्ड किया था, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लेना, बहुत ज्यादा मस्त वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। एनीवेज, थोड़ी देर बाद मैंने सारे टूल्स को रिपेयर कर दिए एंड यहाँ पे बहुत सारे एंडर पर्ल्स मिलते हैं जो कि बहुत ज्यादा अनोइंग होते हैं। उसके बाद मैं घर को वापस आ गया और सो गया। डे 303 को मैं चला गया अपने आयरन फार्म में, ये देखने के लिए कि कितना आयरन इकट्ठा हुआ है। यहाँ पर थोड़े बहुत आयरन इकट्ठा हुआ है और मैंने आयरन को इग्नोर करते हुए रेड कलर का फ्लावर ले लिया, या ये आयरन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एनीवेज, उससे मैंने एक रेड कलर का डाई बना दिया और अपने फायरवर्क रॉकेट वाले शल्कर बॉक्स को इससे कलर कर दिया। इससे हम लोगों को पता चलेगा कि इसमें फायरवर्क रॉकेट्स हैं, क्योंकि फायरवर्क रॉकेट्स रेड कलर के होते हैं, अगर तुम लोगों को नहीं पता था तो। एनीवेज, फिर मैं चला गया अपने मेगा बेस प्रोजेक्ट की तरफ एंड इसको भी मैंने लास्ट वीडियो में बिल्ड किया था। यहाँ पर मैंने जंगल के बहुत बड़े एरिया को क्लियर आउट किया है, इसको भी मैंने लास्ट वीडियो में किया था एंड इसको बनाने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा। एनीवेज, ये है अपना मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा। यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा सा मेगा बेस बिल्ड करना है। मुझे एक्चुअली इस पूरे एरिया को 256x256 ब्लॉक का सर्कल बनाना है, या फिर 128 ब्लॉक के रेडियस का सर्कल भी कह सकते हो। तो यह शायद से अभी मुझे थोड़े बहुत एरिया को और क्लियर आउट करना पड़ेगा, और ये परफेक्ट सर्कल नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पे थोड़े बहुत जगहों को ठीक करने वाला हूँ ताकि ये ज्यादा सर्कुलर लगे। तो ये होगा इस पूरे एरिया का सेंटर। यहाँ से मैं 128 ब्लॉक्स जाने वाला हूँ सारे डायरेक्शन में। तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं मैथ्स के टीचर जैसे बात कर रहा हूँ, तो हम लोग इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं घुसते हैं। तुम लोगों को शायद से एक रफ आइडिया आ चुका होगा। एनीवेज, उसके बाद मुझे यहाँ पे एक पैरट मिला, तो मैं इसको टेम करना चाहता था, तो इसीलिए मैंने फॉर्च्यून 3 वाले पिकेक्स से बहुत सारे ग्रास को तोड़े। इससे मुझे बहुत सारे सीड्स मिले और मैंने जाकर उस पैरट को टेम कर दिया। ये भी दिखने में बहुत ज्यादा ओपी लग रहा था, और मैं भूल चुका था कि लास्ट वीडियो में मुझे यहाँ पर एक और पैरट मिल चुका था। ये भी दिखने में मेरे जैसा है, बट ये लास्ट वीडियो वाला पैरट नहीं है, ये डिफरेंट है। खैर जाने दो मैं क्या बोल रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मुझे ब्लू कलर के 2 पैरट्स मिले थे, एक को मैंने वीडियो में दिखाया और इसको मैं दिखाना भूल गया। एनीवेज, कोई बात नहीं,
इसे हम लोग यहाँ पर बिठा देते हैं, यहाँ पर बैठ जाओ। फिर यहाँ पर रात हो गया तो मैं जाके सो गया। डे 304 को मैंने अपने काम को कंटिन्यू किया। अभी मुझे चेक करना था कि ये पूरा डायमीटर 256 ब्लॉक्स का होता है कि नहीं। एनीवेज ये 256 ब्लॉक्स का तो था। उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा दिमाग लगा कि 256 ब्लॉक्स के सारे एरिया को मार्क कर दिया। लाइक इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगता है। अच्छा एनीवेज उसके बाद मैंने उस एरिया में जितने भी पेड़ आते हैं उनको क्लियर आउट करना स्टार्ट कर दिया। एंड डे 311 तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका था। यहाँ से मैंने सारे एरिया को क्लियर आउट कर दिया था। एंड अभी तुम लोग देख सकते हो कि ये ज्यादा सर्कुलर लग रहा है। पहले ये थोड़ा सा ओवल शेप का था बट अभी ये ज्यादा सर्कुलर लग रहा है। और ये देखो ये अभी भी घूम रहे हैं। तो गाइस मेरा नेक्स्ट टाइम था कि मुझे बिल्ड करना है एक गोल्ड फार्म, क्योंकि मुझे एक गोल्ड का बीकन बनाना है। और तुम लोगों को पता होगा कि मैंने डेजर्ट ओनली वर्ल्ड में एक गोल्ड फार्म को बिल्ड किया था, तो मैं उसी को बिल्ड करने वाला हूँ। तो डे 112 को मैं चला गया सैंड तोड़ने के लिए, क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारे सैंड की जरूरत है। फिर मुझे लगा कि मेरे पास शायद से थोड़े बहुत सैंड हो सकते हैं, तो मैं वापस आ गया और यहाँ पर चेस्ट में थोड़े बहुत सैंड थे, मैंने उनको कलेक्ट कर दिया। और फिर मैं चला गया और थोड़े सैंड तोड़ने के लिए, और तभी मुझे एक रिवेंट पोर्टल दिख जाता है। ये मेरे घर के पास था बट आज मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था। यहाँ पर आकर मैंने यहाँ से थोड़े से आग को रिमूव किया और उसके बाद मैंने चेस्ट में देखा तो इसमें कुछ भी नहीं था। मुझे लगा था कि इसमें नॉच एप्पल होगा बट कुछ भी नहीं था। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग। उसके बाद मैं चला गया सैंड तोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे अभी बहुत ज्यादा सैंड चाहिए था। फिर मुझे लगा कि मुझे एक सैंड ड्यूपर बनाना चाहिए ताकि मुझे अनलिमिटेड सैंड मिले, और वैसे भी जंगल ओनली वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कम सैंड होता है। तो इसीलिए मैंने इस काम को छोड़कर अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी मैंने देखा कि रिवेंट पोर्टल में एक गोल्ड ब्लॉक है। पता नहीं मैं इसको ले जाने को कैसे भूल गया। एनीवेज फिर मैं सैंड ड्यूपर के लिए चीजें कलेक्ट करने लगा। फिर मुझे पता चला कि मुझे इसके लिए बहुत सारे स्लाइम ब्लॉक्स चाहिए और मेरे पास एक भी स्लाइम नहीं है। तो मैंने इसके बाद डिसाइड किया कि मुझे एक स्लाइम फार्म बनाना चाहिए। या सैंड कलेक्ट करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक सैंड ड्यूपर बनाऊंगा, एंड सैंड ड्यूपर बनाने के लिए मैं एक स्लाइम फार्म बना रहा हूँ। मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। इससे अच्छा ये था कि मैं सीधा जाके सैंड कलेक्ट कर लेता। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? उसके बाद मैंने एक वेबसाइट में देखकर अपने स्लाइम चंक को फाइंड किया। ये वो चंक होता है जिसमें स्लाइम स्पॉन होते हैं। फिर मैं चला गया वाई लेवल 7 में। यहाँ पर हम लोगों को स्लाइम फार्म बिल्ड करना होता है। तो पहले तो मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत एरिया को क्लियर आउट कर दिया। फिर मैंने यहाँ पर एक बीकन सेटअप किया, क्योंकि ऑब्वियसली इतने बड़े एरिया को माइन करने के लिए मुझे एक बीकन की जरूरत पड़ने वाली थी। और इस बीकन में मैंने ले लिया H2 का पावर और मैंने यहाँ पे माइन करना स्टार्ट कर दिया। और ये डीप स्लेट कोल ब्लॉक बहुत ज्यादा रेयर होते हैं बट मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। है तो ये कोल ही जो कि फर्नेस में काम आता है। एनीवेज वो पता लगे कि मैं अभी 1.17 में हूँ। ये क्या बात करता है यार? फिर मैंने यहाँ से पूरे चंक को माइन कर दिया और इसी टाइम मुझे एक डायमंड मिला, लिटरली एक डायमंड। इससे अच्छा नहीं मिलता तो भी बेटर रहता। एनीवेज डे 314 तक मैंने सारे एरिया को क्लियर आउट कर दिया था और मैंने उस चंक में थोड़े से टॉर्चेस लगा दिए ताकि यहाँ पे सिर्फ स्लाइम स्पॉन हो और ज़ॉम्बीज वगैरह स्पॉन नहीं हो जाए। फिर अभी मुझे जाना था 40 ब्लॉक्स यहाँ से दूर, क्योंकि स्लाइम्स के स्पॉन होने के लिए थोड़ा सा दूर AFK करना होता है। उसके बाद मैं चला गया 40 ब्लॉक्स दूर और यहाँ पर मैं AFK करने लगा। बहुत टाइम बाद मैंने जाकर देखा कि यहाँ पे स्लाइम स्पॉन हुए हैं कि नहीं, और एस एक्सपेक्टेड यहाँ पे स्लाइम स्पॉन नहीं थे। लाइक मुझे पता था कि यहाँ पे स्लाइम स्पॉन नहीं होंगे, क्योंकि मैं जो भी करता हूँ वो काम नहीं करता। फोकट में मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, इससे अच्छा मैं डायरेक्टली सैंड कलेक्ट कर देता। पता नहीं ऐसा क्यों करता हूँ मैं। बट इससे मुझे बहुत सारे स्टोन्स मिल जाते हैं, चलो इससे कुछ तो फायदा हुआ। एनीवेज फिर मैं चला गया अपने घर को और यहाँ पर मेरे पास जो भी सैंड था उसको स्मेल्ट किया, और फिर मैं चला गया फिर से सैंड को कलेक्ट करने के लिए। और ये भी बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है, मैं इसको डायरेक्टली स्किप कर दूंगा ताकि ये बोरिंग ना लगे। ओके डे 316 तक मेरे पास सारे सैंड कलेक्ट हो जाते हैं। लाइक इसके लिए मुझे 1.5 शल्कर बॉक्स सैंड चाहिए था, जो कि मैंने इजीली फाइंड कर दिया। और फिर मैं चला गया अपने घर को। डे 317 को मैं चला गया अपने मेगा एरिया पे। यहाँ पर मैंने बहुत सारे फर्नेसेस को बिछा दिए। यहाँ पर मैं इसीलिए आया था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा वुड है, तो मुझे सैंड स्मेल्ट करने के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। और मुझे पता नहीं है कि मेरे पास इतना कोल है कि नहीं, तो इसीलिए मैं इनको वुड से स्मेल्ट करूंगा ताकि बहुत ज्यादा फायदा हो। और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि मेरे पास 1.5 शल्कर बॉक्स ऑफ सैंड है, तो मुझे इनको पूरा स्मेल्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो जल्दी से इसे करते हैं। उसके बाद मैंने एक एक करके सारे सैंड को स्मेल्ट किया। फिर मुझे लगा कि फर्नेसेस बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए मैं यहाँ पर एक केव जैसी जगह पे आ गया। यहाँ से मैंने बहुत सारे स्टोन्स को कलेक्ट कर लिए और उनसे मैंने और थोड़े फर्नेसेस बनाए और उनको भी इसी जगह पे बिछा
बिछा दिया, जितने ज्यादा फर्नेसेस उतनी जल्दी स्मेल्ट हो जाएगा। What? Meanwhile, मैंने यहाँ से ग्लास भी कलेक्ट किया। यहाँ पर मैंने अपने आप को बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पे मैं AFK खड़े रहने वाला था जब तक सारी सैंड स्मेल्ट नहीं हो जाए, क्योंकि अभी मुझे ज़ॉम्बीज नहीं मार पाएंगे। तो थोड़ी देर यहाँ पे AFK करते हैं। डे 318 को मेरे सारे सैंड स्मेल्ट हो गए। यहाँ पर देखो कितने सारे ग्लासेस हैं। उसके बाद मैंने एक एक करके सारे फर्नेसेस को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं चला गया अपने घर को और मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे पास बहुत ज्यादा कम शल्कर बॉक्सेस हैं और बहुत सारे शल्कर बॉक्सेस में ऑलरेडी चीजें हैं, तो मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं अभी जाने वाला हूँ एंड सिटीज में शल्कर्स को मारने के लिए और थोड़े शल्कर बॉक्सेस को कलेक्ट करने के लिए, और क्या पता मुझे इलाइट्रास भी मिल जाए, सेकेंडरी इलाइट्रा काम आएगा। इसके लिए मैंने थोड़े बहुत प्रिपरेशन किए, लाइक मैंने फायरवर्क रॉकेट वाले शल्कर बॉक्स को अपने पास रखा क्योंकि एंड वर्ल्ड में मुझे बहुत ज्यादा उड़ना होता है और मैं नहीं चाहता था कि मेरे पास फायरवर्क रॉकेट्स खत्म हो जाए। और मैंने दो स्टैक पॉक चॉप भी लिए ताकि मुझे फूड की भी कमी नहीं हो। फिर मैं चला गया अपने एंड वर्ल्ड में और उसके बाद अपने गेटवे के अंदर, और मैं गेटवे के अंदर फर्स्ट टाइम आया था। यहाँ पर देख सकते हो रिमोट गेटवे का अचीवमेंट। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे सारे अचीवमेंट्स रीसेट हो चुके हैं। एनीवेज मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत एरिया को एक्सटेंड किया क्योंकि यहाँ पे गेटवे पोर्टल की तरफ सीधा वॉइड था, बहुत ज्यादा खतरनाक एंट्रेंस मिला है मुझे। और थोड़े ही दूर जाने के बाद मुझे एक एंड सिटी मिला। ये एक छोटा सा एंड सिटी था, इसके अंदर एंड शिप नहीं था, बट कोई बात नहीं, मुझे शल्कर्स तो मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने शल्कर्स को बजाना स्टार्ट कर दिया। इस एंड सिटी से मुझे 11 शल्कर शेल्स मिले। यहाँ पर सारे शल्कर मर चुके थे, तो अभी टाइम था थोड़े और एंड सिटीज को लूटने का, इसलिए मैं चला गया एक और डायरेक्शन में। थोड़ी दूर में मुझे एक और एंड सिटी मिल जाता है और इस पे एक एंड शिप भी था, तो मैं सीधा चला गया एंड शिप में क्योंकि यहाँ पे इलाइट्रास होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक नल्ले शल्कर को मारा और इस चेस्ट में थोड़े बहुत डायमंड के आर्मर थे, मैंने उनको कलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने इलाइट्रा को ले लिया। फाइनली मुझे एक और इलाइट्रा मिल चुका है। अगर मेरा इलाइट्रा खो जाएगा तो मेरे पास एक और इलाइट्रा है, बहुत बढ़िया। एनीवेज उसके बाद मैंने ड्रैगन के सिर को भी ले लिया। उसके बाद मैं चला गया शल्कर्स को बचाने के लिए। ओके, इस एंड सिटी से मुझे 40 शल्कर शेल्स मिले जिससे मैं 20 शल्कर बॉक्सेस बना सकता था, तो मेरे लिए इतना काफी था। इसीलिए मैं चला गया एक गेटवे पोर्टल को फाइंड करने के लिए क्योंकि अभी मैं जाने वाला था अपने घर को। थोड़े ही दूर मुझे एक और एंड सिटी मिल जाता है और इसके ऊपर भी एक एंड शिप था, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया क्योंकि मेरे पास एक और इलाइट्रा आने वाला था। तो मैंने एक नल्ले शल्कर को मारा और इलाइट्रा को ले लिया और इस पे मुझे एक एफिशिएंसी 5 का पिकैक्स भी मिल जाता है। उसके बाद मैंने जो देखा उसको देखकर मैं शॉक हो गया। यहाँ पर लिटरली एक और एंड सिटी था। लाइक तुम लोग देख सकते हो कि ये इस एंड शिप के कितना ज्यादा पास है, लाइक दो एंड शिप एक साथ, ये बहुत ज्यादा ओपी था। एनीवेज फिर मैं चला गया उस एंड शिप की तरफ। यहाँ पर से मैंने एक और इलाइट्रा को ले लिया और अभी मेरे पास हो चुके थे 3 स्पेयर इलाइट्रास जो कि बहुत ज्यादा ओपी होता है। एक इलाइट्रा मेरे एंडर चेस्ट में है, ये रहा, ये देखो मेरे पास 3 एक्स्ट्रा इलाइट्रास हो चुके हैं, इसको मैं एंडर चेस्ट में रख देता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर भी शल्कर्स को बजाना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं चला गया अपने घर की तरफ। यहाँ पर मेरे पास 1 स्टैक एंड 4 शल्कर शेल्स इकट्ठे हो चुके थे जो कि बहुत ज्यादा होता है, और अभी मैं जाने वाला था अपने घर की तरफ। और इस ट्रिप से मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड था क्योंकि इतने सारे शल्कर शेल्स बहुत ज्यादा ओपी होते हैं। और यहाँ पर मुझे एक गेटवे पोर्टल मिल जाता है। उसके बाद मैं चला गया गेटवे पोर्टल के अंदर, फिर मैं अपने घर को जाके सो गया। उसके बाद मैं एंडर ड्रैगन के सिर को अपने घर में सजाना चाहता था। पहले तो मैंने इसे यहाँ पर रख दिया बट ये इतना अच्छा नहीं लग रहा था, एंडर ड्रैगन का सिर जमीन पे पड़ा हुआ अच्छा नहीं लग रहा था, इससे एंडर ड्रैगन की बेइज्जती हो रही थी, गजब बेइज्जती है, ये मुझे ठीक नहीं लगा। तो मैंने इसे निकाल दिया यहाँ से और इसको अपने दीवार पे लगा दिया। अभी ये अपने मुंह को भी हिला सकता है, मैंने एक रेडस्टोन ब्लॉक रख दिया है तो अभी ये अच्छा लग रहा है। एनीवेज उसके बाद मैंने बहुत सारे चेस्ट को क्राफ्ट किए और उनसे मैंने बनाए बहुत सारे शल्कर बॉक्सेस, लाइक लिटरली 34 शल्कर बॉक्सेस बन रहे थे। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि मेरा पूरा चेस्ट भर चुका है शल्कर बॉक्सेस से, बहुत ज्यादा ओपी है ये। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास एक और एंडर ड्रैगन का हेड है जो कि यहाँ पर है, ये रहा,
और इसको भी मैंने यहाँ पे सजा दिया। अभी मेरे पास 4 एंडर ड्रैगन के हेड है, पता नहीं क्यों बट इसको पावर अप करना भूल गया था मैं। एनीवेज अभी चलते हैं बाकी के चीजों को इकट्ठे करने के लिए। नेक्स्ट मुझे चाहिए थे बहुत सारे मैग्मा ब्लॉक, क्योंकि तुम लोगों को पता होगा कि गोल्ड फार्म में बहुत सारे मैग्मा ब्लॉक की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मैं चला गया नेदर में, और थोड़ी दूर मुझे बहुत बड़ा सा लावा लेक दिख जाता है, और लावा के पास मैग्मा क्यूब्स इजीली मिल जाते हैं। तो मैंने ऐसे करके बहुत सारे मैग्मा क्यूब्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। जंगल ओनली वर्ल्ड में इसको कलेक्ट करना डेजर्ट ओनली वर्ल्ड से थोड़ा सा इजी था। मुझे इसमें जल्दी जल्दी से बहुत सारे मैग्मा ब्लॉक्स मिल रहे थे। मैग्मा ब्लॉक्स के वेन्स कनेक्टेड होते हैं, तो एक ही जगह पे बहुत सारे स्टैक्स मैग्मा ब्लॉक्स मिल रहे थे। तो यहाँ मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जब मेरे पास बहुत सारे मैग्मा ब्लॉक्स थे। डे 327 तक मेरे पास सारे मैग्मा ब्लॉक्स हो चुके थे। लाइक इसके लिए 3.5 शल्कर बॉक्सेस मैग्मा क्यूब्स चाहिए, जो कि बहुत होता है। मतलब अभी इस फार्म को बिल्ड करने का मेन मटेरियल कलेक्ट हो चुका था। उसके बाद मैं चला गया अपने घर को, और मैंने बाकी के मटेरियल्स को भी इकट्ठे किए। मुझे थोड़े से नेम टैग्स चाहिए थे, तो मैंने अपने विलेजर से ले लिया, और यहाँ अभी ये सारी चीजें कलेक्ट हो चुकी थी। अभी हम लोग जाके इसको बिल्ड कर सकते हैं। फिर मैं डे 330 को चला गया अपने नेदर रूफ के ऊपर, और यहाँ पर मैं फाइंड करने लगा एक नेदर वेस्ट बायोम। उससे पहले मैंने रियलाइज किया कि मेरे सारे टूल्स टूटने को हो चुके हैं, इसीलिए मैंने अपने एंडरमैन एक्सपी फार्म में जाके सारे टूल्स को रिपेयर कर दिए। अभी एक और प्रॉब्लम था कि मेरे पास फ्रोस्ट वॉकर नहीं है, तो अगर मैं मैग्मा क्यूब्स के ऊपर खड़ा हो जाऊंगा तो मुझे डैमेज होगा, तो इसीलिए मुझे एक और फ्रोस्ट वॉकर की बूट्स बनानी पड़ेगी। इसीलिए मैंने एक डायमंड बूट्स को लिया, जो कि मुझे एंड सिटी से मिला था। उसके बाद मैंने विलेजर्स को लाइब्रेरियंस का काम देने का काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बताया कि हम लोगों को फ्रोस्ट वॉकर सिर्फ विलेजर्स से मिल सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास और भी थोड़ा सा लेक्टन है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया विलेजर्स को जॉब देने के लिए, और मुझे जहाँ पर भी जगह दिख रहा था वहाँ पर मैंने लेक्टन लगा दिए, और ये इजिली फ्रोस्ट वॉकर नहीं देने वाले थे, तो मुझे बार बार इसको तोड़ के फिर से लगाना पड़ा। बट ये फाइनली मुझे फ्रोस्ट वॉकर मिल गया। ये फ्रोस्ट वॉकर 1 था, बट कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इससे काम चल जाएगा। मैंने इससे एक फ्रोस्ट वॉकर की बुक खरीद ली, और फिर मैंने उसको उस डायमंड वाले बूट्स में डाल दिया। ओके, और मैंने अपने बो में फ्लेम डाल दिया, क्योंकि मेरे बो में फ्लेम नहीं था, ये थोड़ा सा यूजफुल होता है। एनीवेज फिर मैंने टेस्ट किया कि ये फ्रोस्ट वॉकर काम करता है कि नहीं, एंड या ये काम करता है, मुझे मैग्मा क्यूब्स के ऊपर डैमेज नहीं हो रहा। तो या लेट्स गो, अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। फिर मैं एक्चुअली नेदर रूफ के ऊपर एक और काम पे चला गया। मैंने एक्चुअली स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए यहाँ पर एक और पोर्टल को बिल्ड किया था, अभी मुझे उसको जाके फाइंड करना है और नेदर रूफ के ऊपर टॉर्चेस लगा देने हैं, ताकि मैं इजीली इधर उधर जा सकूं। ये रहा वो वाला पोर्टल, अभी मैं यहां से लेकर उस वाले पोर्टल तक टॉर्चेस लगा दूंगा, ताकि मुझे ऊपर से इजीली दिखाई दे, इससे ट्रैवलिंग करना इजी हो जाता है। फिर ये उस काम को करने के बाद यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि ये कितना ज्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा है, हम लोग इजीली उस वाले पोर्टल की तरफ जा सकते हैं। एनीवेज उस काम को करने के बाद अभी मुझे बिल्ड करना था अपना गोल्ड फार्म, तो या मैं इस काम पे लग गया। तुम लोग देखो इसका टाइम लैप्स। यहाँ पर मैंने गलती से एक टोटम को वेस्ट कर दिया। इस जगह पे मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि ये इस वीडियो का सेकंड टोटम था जो मैंने वेस्ट कर दिया। इस वर्ल्ड में मेरे पास लिमिटेड टोटम्स हैं, तो इसके वेस्ट होने पर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। एनीवेज फिर मैंने अपने काम को कंटिन्यू किया, और यहाँ पर मैं एक सॉर्टिंग सिस्टम भी बनाना चाहता था। Thank you.
ओके तो गाइस अभी ये फार्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम लोगों को सिर्फ थोड़े से काम बाकी है। पहले मुझे यहाँ पे थोड़े से ट्रैप डोर्स लगा देने हैं। ये ऊपर वाले लेयर पर पूरी जगह पे लगा देना है, तो जल्दी से इसे करते हैं। एनीवेज मुझे ऊपर से नीचे वाले फ्लोर पर भी थोड़े से ट्रैप डोर्स लगा देने हैं। हम लोग इसको भी जल्दी से करते हैं। एंड लास्ट यहाँ पे एक काम बाकी है, जो कि है मुझे इस फार्म के डायगोनल में जाके एक पिगलिन को रख देना है। यहाँ पर मैं डर्ट से एक पाथवे बनाऊंगा एंड यहाँ पे इस ग्लास के ऊपर इस पिगलिन को लेके आएंगे। हेलो सर, यहाँ पे चले जाओ वहां पर। ओके, ये आ चुका है अपना पिगलिन। इस डर्ट को तोड़ते हैं। वेट, मेरे पास शायद से नेम टैग नहीं है। एक्चुअली मेरे पास नेम टैग है बट मैंने इसको नेम नहीं दिया है, तो देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। नहीं, ये काम नहीं करता, मुझे इसको नेम करना पड़ेगा। इसको हम लोग नेम करने वाले हैं बंदी करके। ये वाला बंदी नहीं, ये वाला बंदी, क्योंकि वो बाकी की जिंदगी उस एक ब्लॉक के ऊपर खड़ा रहने वाला है, तो ये प्रिजनर वाला बंदी है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। एनीवेज जैसा मैंने सोचा था, ये डिस्पॉन हो चुका है, मुझे यहाँ पे फिर से लाना पड़ेगा। हेलो सर, यहाँ पे आ जाओ। ओके, ये आ चुका है अपना पिगलिन एंड ये बन चुका है ये अपना बंदी। ये अपनी बाकी की जिंदगी यही पर बिताएगा। एनीवेज ऐसे ही बाकी के 3 सेट्स में करते हैं। ओके, सारे पिगलिन्स को नेम दे दिया है। अभी ये फार्म कंप्लीट हो चुका है, तो इसको टेस्ट करते हैं। बट यहाँ पर देखो एक डर्ट ब्लॉक है, तो शायद से ऐसे ही डर्ट ब्लॉक बाकी के जगह पे भी हो सकते हैं। एक बार ठीक से देखना पड़ेगा। ओके, इस डर्ट को रिमूव करते हैं। अभी हम लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं। पहले मैं अपना नेदरराइट वाला बूट्स पहन लेता हूँ, इससे मुझे सेफ फील होता है। एंड यहाँ पर जो पिगलिन है इसको मारते हैं। वो नीचे गिर गया। RIP पिगलिन भाई। अभी ये फार्म एक्टिव हो चुका है, अभी पिगलिन मेरे पे गुस्सा हो जाएंगे। यहाँ पर एक और पिगलिन है, इसको मारते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर हम लोग AFK करेंगे। एंड गाइस, ये परफेक्टली काम कर रहा है। मैं यहाँ पर AFK करने वाला हूँ जब तक मेरे 150 लेवल्स नहीं हो जाते। इससे मुझे बहुत ज्यादा गोल्ड भी मिल जाएगा, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बीच में मैंने जाकर स्वॉर्ड्स को क्लियर आउट किया, क्योंकि तुम लोगों को पता होगा कि ये चोक करता है, तो मुझे मैन्युअली इन सारे स्वॉर्ड्स को निकाल के फेंकना पड़ता है। उसके बाद मैंने थोड़े से गोल्ड इंगट्स बनाए एंड उनसे बनाए थोड़े से गोल्ड ब्लॉक्स। ओके, 53 गोल्ड ब्लॉक्स बन चुके हैं। इसको मैंने उसी चेस्ट में वापस रख दिया। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा और AFK किया, तो गाइस अभी मेरे होने वाला है 150 लेवल्स। ओके, फाइनली मेरे 150 लेवल्स हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग फिर से वही काम करते हैं, स्वॉर्ड्स को रिमूव करने का काम। और यहाँ पर मेरे बन चुके हैं 36 ब्लॉक्स ऑफ गोल्ड, जो कि हमारे पास बन चुका है 1 stack and 39 blocks of gold। अभी मुझे बस एक और स्टैक चाहिए, फिर हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग एक बीकन बना सकते हैं। और तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे थोड़े और चेस्ट लगाए हैं, जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि गोल्ड नगेट्स और रॉटन फ्लैश बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, तो इतने सारे चेस्ट की मुझे जरूरत पड़ जाती है। तो यहाँ गाइस, अभी हम लोग AFK करते हैं 200 लेवल होने तक, और बीच बीच में मैं स्वॉर्ड्स को फेंकता रहूंगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जब मेरे पास 200 लेवल्स हो जाएंगे। ओके, ये हो चुका है 197, 198 लेवल्स, 199 और फाइनली 200 होने के लिए थोड़ा सा बाकी है। एंड ये हो चुका है हमारा 200 लेवल्स, बहुत बढ़िया। एंड तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास कितने सारे नगेट्स हैं। इनको मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ गोल्ड इंगट्स में। अभी हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं इंगट्स में। ओके, थोड़ा और बाकी है। एंड अभी हम लोग इनको भी लेकर ब्लॉक्स बनाते हैं। ओके, इनसे अभी मैं ब्लॉक्स बनाऊंगा। ये बने 1 stack and 23 blocks of gold। इससे मेरे पास हो चुके हैं ऑलमोस्ट 3 stack of gold blocks, जो कि बीकन बनाने के लिए मोर देन इनफ है। तो फाइनली हमारा ये गोल कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम लोग चलते हैं अपने घर को। घर जाते टाइम मैंने यहाँ पे थोड़े से पॉक चॉप इकट्ठे कर दिए, और मेरा शुगर केन अभी भी ग्रो नहीं हुआ है। ये शुगर केन फार्म को मैंने लास्ट वीडियो में बिल्ड किया था। इसको बिल्ड किए हुए 100 days हो चुके हैं, बट ये अभी तक ग्रो नहीं हुआ, बहुत ज्यादा सैड। फिर मैंने बहुत सारे शल्कर बॉक्सेस को ले लिए, जो कि मेरे नेक्स्ट काम के लिए चाहिए था। फिर मैं चला गया अपने मेगा बेस के जगह पे। यहाँ पर मैंने सारे शल्कर बॉक्सेस को बिछा दिए, और मेरे पास जितने भी वुड थे उन सबको मैंने कलेक्ट किया और उनको मैंने अपने शल्कर बॉक्सेस में भर दिया। यस, मेरा नेक्स्ट एम था एमरल्ड के बीकन बनाने को, और इसको मैं करने वाला था सारे स्टिक्स को बेचकर, क्योंकि ऑब्वियसली स्टिक्स को बेचकर एमरल्ड्स मिलते हैं। ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, बट कोई बात नहीं, मैंने यहाँ से स्टिक्स को भी नहीं छोड़ा, मैं सब कुछ बेचने वाला था। सारे वुड को शल्कर बॉक्सेस में भरने के बाद मैंने उनको कलेक्ट किया। फिर मैं चला गया अपने विलेजर हॉल पे, और यहाँ पर
मैंने एक विलेजर को देखा जो कि मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या कर रहा था। एनीवेज फिर मैंने जाके सारे लेक्टन को तोड़ दिए क्योंकि मुझे फ्रॉस्ट वॉकर तो मिल चुका था और अभी मेन काम होने वाला था फ्लेचिंग टेबल से, क्योंकि फ्लेचर सी स्टिक्स को लेते हैं। पहले मैंने सारे लेक्टन को तोड़ दिए ताकि स्पेस बन जाए। उसके बाद मैंने सारे शल्कर बॉक्सेस को यहाँ पर बिछा दिए। जब तक मैं इसको बेच कर खत्म कर दूंगा तब तक मैं यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला था, तो इसीलिए मैंने एक चेस्ट को क्राफ्ट किया और उस पे सारी चीजों को रख दिया ताकि अपने इन्वेंटरी में थोड़ा सा स्पेस बचे स्टिक्स को बेचने के लिए। मैं इनको जॉम्बी विलेजर करके हील करके बेच सकता था बट उस पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, तो इसीलिए मैंने इसको सीधा बेचने के बारे में सोचा। इससे मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बहुत दिन मैंने यही काम किया, स्टिक्स को क्राफ्ट करना और इसको सेल करना। सो गाइस फाइनली मैंने अभी सारे वुड को बेच दिया है और उनसे मुझे बहुत सारे एमरल्स मिले हैं। यहाँ पर गेस करके बताओ कितने स्टैक में एमरल्स कलेक्ट हुए हैं। एनीवेज इसको करके लिटरली मेरे उंगलियां दुख रहे हैं, लाइक बहुत ज्यादा टाइम तक मैंने माउस को क्लिक किया, फिर भी कोई बात नहीं, ये कंप्लीट हो चुका है। तो अभी रिवील करते हैं कि कितने एमरल्स इकट्ठे हुए। तो ये देखो कितने एमरल्स हुए, यहाँ पर एक पूरा शल्कर बॉक्स भर चुका है और यहाँ पर भी आधा शल्कर बॉक्स भर चुका है, लाइक लिटरली 1.5 शल्कर बॉक्स एमरल्स हो चुके हैं जो कि बहुत ज्यादा ओपी है। ये ऑब्वियसली बीकन बनाने के लिए मोर देन इनफ है, तो जल्दी से इसको ब्लॉक्स में कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने कन्वर्ट की इसको ब्लॉक्स में, यहाँ पे थोड़े और ब्लॉक्स बने। ओके, इससे बन चुका है ऑलमोस्ट 5 स्टैक्स ब्लॉक्स ऑफ एमरल्स जो कि लिटरली बहुत ज्यादा ओपी है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे एमरल्स बन जाएंगे, बट एनीवेज बाकी के सारे एमरल्स को यहाँ पर रख देते हैं, बुक्स को खरीदने के काम आएगा। अब ये सारे शल्कर बॉक्सेस खाली हो चुके हैं तो चलते हैं यहाँ से। फिर मैं जाके सो गया। डे 367 को मैं चला गया अपने आयरन फार्म में क्योंकि बीकन के लिए लास्ट एक ही टाइप के ब्लॉक्स बचे हुए थे जो कि थे आयरन के ब्लॉक, एंड आयरन मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो इसका टेंशन लेने की मुझे जरूरत नहीं है। पहले तो मैंने इन सारे आयरन को ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया, इससे मुझे 5 स्टैक से ज्यादा ब्लॉक्स ऑफ आयरन मिले जो कि बहुत ज्यादा ओपी है। पहले तो इसको मैंने ऐसे करके अरेंज कर दिया, फिर उसके बाद मैंने इसको ऐसे करके अरेंज किया, ये और भी अच्छा लग रहा था, ये इंडियन नेशनल फ्लैग जैसे लग रहा था। यहाँ पर ऑरेंज के बदले येलो है बट कोई बात नहीं, थोड़ा ऐसा लगता है। यहाँ पर इसको रख देते हैं। ओके, ये बना मिडल वाला चक्र। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। ओके, अभी बीकन के लिए सारे ब्लॉक्स तो कलेक्ट हो चुके थे, अभी टाइम था बीकन को बनाने का। यस, बीकन जो कि ऊपर रखे हुए होते हैं वो वाले बीकन या ऊपर वाले बीकन। मेरे पास सिर्फ एक बीकन है जो कि मैंने जमीन के अंदर डाल दिया है और ये देखो बहुत ज्यादा ओपी वाला है MLG। अभी हम लोग इसको तोड़ते हैं, यहाँ से आयरन के ब्लॉक्स को भी तोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर इसका कोई काम नहीं। फोकट में मैंने इसको यहाँ पर लेके आया, अभी बन चुका है 6 स्टैक्स ऑफ आयरन। एक्चुअली आयरन फार्म में थोड़े और भी हैं, चलते हैं यहाँ से। तो लास्ट वीडियो में मैंने तुम लोगों को इस पैरेट के लिए एक नाम सजेस्ट करने के लिए बोला था और बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट नेम्स को सजेस्ट किए, उसमें से मुझे एक नाम पसंद आया और इस तोते को मैं वो नाम रखने वाला हूँ। ये रहा नेम टैग और वो नाम है तोताक्सु। यस, सातुक्सु तोताक्सु, कितना ओपी लगता है, मुझे ये नेम अच्छा लगा, हम लोग इसको नेम कर देते हैं। एंड ये हो चुका है तोताक्सु। सातुक्सु और तोताक्सु एक साथ बहुत ज्यादा एपिक लग रहा है। मेरे पास एक्चुअली एक और पैरेट है, ये ग्रीन कलर का है बट ये खड़ा नहीं हो रहा, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। फिर मैंने सोचा कि मैंने शायद से इसको टेम नहीं किया है इसीलिए ये मेरे ऊपर नहीं बैठ रहा, बट ये सीड भी नहीं खा रहा था, तो पता नहीं इस बर्ड का क्या प्रॉब्लम है, ये ना ही खड़ा हो रहा था और ना ही टेम हो रहा था। एनीवेज कोई बात नहीं, अभी मैं जाना चाहता था नेदर फोर्ट्रेस में विदर स्कल्स को कलेक्ट करने के लिए, बट इसमें एक्चुअली एक प्रॉब्लम था। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि मेरे स्वॉर्ड में सारे एन्चेंटमेंट्स हैं बट इसमें नॉकबैक 2 भी है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक्चुअली नॉकबैक से सारे मॉब्स पीछे चले जाते हैं, इससे उनको मारना मुश्किल हो जाता है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो इसीलिए मैं इसको रिमूव करना चाहता था अपने स्वॉर्ड से। तो इसका मतलब मुझे सारे एन्चेंटमेंट्स फिर से डालने पड़ेंगे अपने नेदरराइट स्वॉर्ड में। तुम यहाँ पे बैठ जाओ। फिर मैं चला गया अपने विलेजर के पास और यहाँ पर अपने स्वॉर्ड के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स है उन सबको ले लिया, जैसे स्वीपिंग एज 3, शार्पनेस 5, मेंडिंग, अनब्रेकिंग 3। यस, बस उतना ही। फिर मैं चला गया नीचे अपने एक्सपी फार्म में। यहाँ पर पहले तो मैंने अपने स्वॉर्ड को डिसएन्चेंट किया, नॉकबैक के चक्कर में सारे एन्चेंटमेंट्स वेस्ट गए। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा कि मुझे नॉकबैक एन्चेंटमेंट ही मिल रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एन्चेंटमेंट किया जिसपे मुझे ठीक ठाक कुछ भी नहीं मिला और अभी मेरे पास लैपिस लजुली खत्म हो चुका था इसीलिए मैं चला गया सरफेस पे। यहाँ पर मैंने विलेजर से थोड़े बहुत लैपिस लजुली खरीदी, फिर मैंने देखा कि अपने चेस्ट में ऑलरेडी लैपिस लजुली है। फोकट में मैंने थोड़े से एमरल्स को वेस्ट कर दिए। उसके बाद मैं फिर से चला गया एन्चेंटमेंट करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे फिर से नॉकबैक मिला। बहुत ज्यादा टाइम नॉकबैक मिलने के बाद मुझे फाइनली लूटिंग 3 मिला और मुझे लूटिंग 3 ही चाहिए था।
क्योंकि बाकी के मेरे पास बुक्स हैं, तो अभी मैं बाकी के बुक्स को कंबाइन कर सकता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसमें मेंडिंग डाला, फिर मेंडिंग की मदद से मैंने इस स्वॉर्ड को रिपेयर किया, उसके बाद इस पे शार्पनेस 5 डाला और स्वीपिंग एज 3 और अनब्रेकिंग 3 भी डाल दिया। ये अभी फिर से मेरा मैक्स स्वॉर्ड बन चुका है, वो भी नॉक बैक के बिना। ये बहुत ज्यादा ओपी है। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने नेदर फोर्ट्रेस में विदर स्कल्स इकट्ठे करने के लिए। फिर मैं आ गया अपने नेदर फोर्ट्रेस में। पहले मैंने इलाइट्रा को निकाल के चेस्ट प्लेट पहन लिया, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। उसके बाद मैंने विदर्स को बजाना स्टार्ट कर दिया। ओके, यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद मेरे पास यहाँ पे 3 विदर स्कल्स हो जाते हैं। फिर मैं फाइंड करने के लिए चला गया थोड़े से सोल सैंड को, क्योंकि मुझे विदर को स्पॉन करने के लिए थोड़ा सा सोल सैंड चाहिए था। मैं वॉप फॉरेस्ट वाले बायोम में आ चुका था और यहाँ पे सोल सैंड तो नहीं था, बट यहाँ पर एक बैशन था जो कि मुझे लास्ट वीडियो में मिला था, बट मैंने उसको लूटा नहीं था। तो अभी हम लोग जाके इसको लूटते हैं, तो इसीलिए मैं चला गया इसको लूटने के लिए। यहाँ पर मुझे एक चेस्ट दिखा, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और मुझे यहाँ पे थोड़े से गोल्ड ब्लॉक्स भी दिख गए, तो मैंने जाके गोल्ड ब्लॉक्स को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे गोल्ड ब्लॉक्स हैं, बट कोई बात नहीं, ये भी काम आएगा। यहाँ से मैंने थोड़े बहुत स्टोन को इकट्ठे किए और मैंने देखा कि ये बैशन बहुत ज्यादा छोटा है, लाइक इसके अंदर कुछ भी नहीं था। मुझे लगा था कि इसके अंदर बहुत बड़ा एरिया होगा, बहुत सारे ब्रूट होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। एनीवेज यहाँ पे एक चेस्ट था जिसको मैंने लूटा और फिर मैं चला गया अपने घर को। और अभी मुझे विदर को स्पॉन करके मारना था। मैंने अपने चेस्ट में देखा तो मुझे थोड़ा सा सोल सैंड मिल गया, तो इसीलिए मैं चला गया अपने नेदर रूफ के ऊपर। यहाँ पर मैंने विदर को स्पॉन कर दिया और उसको बचाना स्टार्ट कर दिया। एंड ये बहुत ज्यादा इजीली मारा गया और ये मिल चुका है मुझे एक नेदर स्टार। फिर मैंने ओवरवर्ल्ड में जाकर थोड़े से ऑब्सीडियन तोड़े, इनसे मैंने एक बीकन बनाया और ये बन चुका था मेरा सेकंड बीकन। अभी फिलहाल मुझे 2 और बीकन चाहिए थे 4 बीकन बनाने को। तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं विदर स्केलेटन फार्म क्यों नहीं बनाता। एक्चुअली उसके लिए बहुत सारे चीजें चाहिए होते हैं और मेनली उसके लिए विदर रोस्ट चाहिए, जिसके लिए मुझे बहुत सारे चिकन्स को स्पॉन करना पड़ेगा और फिलहाल मेरे पास इतने चिकन्स नहीं है। तो यहाँ फिलहाल के लिए मैं विदर फार्म तो नहीं बना सकता, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे विदर स्केलेटन्स को हाथ से मारना ही बेटर रहेगा। यहाँ पर बहुत सारे शुगर केन ग्रो हो चुके थे, तो मैंने जाकर शुगर केन को तोड़ा। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे एक चिकन फार्म बनाना चाहिए, चिकन फार्म मतलब अंडों का फार्म, जिसके लिए मुझे चिकन के नीचे बहुत सारे हॉपर्स लगाने पड़ते हैं, तो जाकर बहुत सारे हॉपर्स बनाएंगे। ये बनाई मैंने बहुत सारे हॉपर्स। अभी मुझे इस वुड को निकल के यहाँ पे हॉपर्स लगाने हैं और ये मैं कर रहा हूँ विदर रोसेस के लिए। ये देखो, ये चिकन नीचे गिर गया। ये चिकन बहुत ज्यादा अनोइंग था, ये बार बार नीचे गिर रहा था, बट या कैसे भी करके इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। अभी ये मुझे इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर मैंने इस फार्म को कंप्लीट किया और इन हॉपर्स के ऊपर मैंने कार्पेट्स लगाए ताकि ये थोड़ा सा बेटर लगे। एंड उसके बाद मैंने इस चिकन को यहाँ पर लाके रख दिया। फिर मैंने यहाँ पे चेस्ट के लिए भी एक सिस्टम बनाया। अभी अगर ये चिकन अंडा रखेगा तो ये डायरेक्टली चेस्ट में चला जाएगा। उसके बाद मैंने अपने घर में जाकर अंडे ढूंढे, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे पास थोड़े से एग्स थे। एंड या मेरे पास थोड़े बहुत एग्स थे, उनको मैंने जाकर यहाँ पे फोड़ दिया। जितने ज्यादा चिकन उतने ज्यादा अंडे। व्हाट? एनीवेज डे 374 को मैंने जाकर बहुत सारे पॉक चॉप इकट्ठे किए और अभी मैं जाने वाला था और थोड़े से विदर स्केलेटन्स को मारने के लिए, क्योंकि मुझे अभी 2 और बीकन्स बनाना है। तो ये आ चुका हूँ मैं अपने नेदर फोर्ट्रेस में। एंड यहाँ पर मैंने फिर से विदर स्केलेटन्स को मारना स्टार्ट कर दिया। ये बन चुके हैं मेरे पास 3 विदर स्कल्स। अभी मुझे 3 और चाहिए। यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत सरफेस एरिया को एक्सटेंड किया ताकि ज्यादा विदर स्पॉन हो। ओके, तो गाइस यहाँ पे मुझे मिला अपना 6th विदर स्कल। अभी यहाँ पे और भी बहुत सारे विदर स्केलेटन्स थे, तो मैंने सोचा कि मैं इनको भी मार दूंगा तो शायद से मुझे थोड़े बहुत और भी मिल जाएंगे। और मैंने इनको मजाक मजाक में मार दिया और मुझे एक और विदर स्केलेटन स्कल मिला। लाइक ये देख सकते हो कि मुझे कितना जल्दी 6 से 7 स्कल्स मिले। मुझे फर्स्ट विदर स्कल फाइंड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा जल्दी से मिल रहा था। ऐसे ही करके मुझे एक और विदर स्केलेटन स्कल मिला। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं 3 विदर को मारूंगा, तो इसीलिए मैंने एक और विदर स्केलेटन स्कल के लिए ग्राइंड किया और यह वो भी मुझे बहुत जल्दी मिल गया। ओके गाइस, अभी मेरे पास 9 विदर स्केलेटन स्कल्स हो चुके हैं, लाइक लिटरली 9 विदर स्केलेटन स्कल्स। तो मुझे लगता है कि अभी हम लोग अपने घर को जा सकते हैं। फिर मैं चला गया अपने घर को। घर में जाके मैं पहले तो सो गया और डे 381 को मैंने थोड़े से सोल सैंड इकट्ठे किए और थोड़े से ग्लास और ऑब्सीडियन।
ताकि मैं डायरेक्टली बीकन बना सकूं। फिर मैं चला गया अपने नेदर रूफ के ऊपर। अभी मैं तीन विदर्स को एक साथ स्पॉन करने वाला था, ये मैंने सोल सैंड को अरेंज किया और मैं एग्जैक्टली 12 सोल सैंड लेके आया था जो कि यहाँ पे परफेक्ट हो गए। अभी मुझे इस पे स्कल्स लगाने हैं, ये रहे थोड़े से स्कल्स एंड अभी मैं इसको स्पॉन करता हूँ। ओके, गलत जगह लग गया, इसको निकालो, इसको हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। ये हुआ तीन विदर स्पॉन। ओके, पहले हम लोग यहाँ से थोड़ी सी दूर भागते हैं। तो गाइस मैंने डिसाइड किया कि मैं इनको एक एक करके मारूंगा, इनको एक एक करके मारना इजी हो जाएगा। तो पहले तो मैंने एक विदर को शूट करके इसको अपने साथ बुला लिया और उसके बाद उसको बजाना स्टार्ट कर दिया एंड या एज ऑलवेज ये जल्दी से निपट गया। उसके बाद मैंने सेकेंड विदर को मारना स्टार्ट कर दिया और ये भी निपट गया। एंड अभी मैं बहुत ज्यादा दूर आ चुका था अपने नेदर पोर्टल से और मुझे लिटरली पता नहीं था कि मैं कहां पर हूँ और थर्ड विदर भी मुझे नहीं दिख रहा था, तो मुझे इलाइट्रा से जाकर नेदर पोर्टल फाइंड करना पड़ा और थोड़ी दूर मुझे विदर मिल चुका था। फिर मैंने उसको बचाना स्टार्ट किया, ये मर चुका है अपना लास्ट विदर। भाई मेरा हार्ट बहुत ज्यादा कम है। ओके, तो गाइस ये रहे थ्री नेदर स्टार्स जिसकी हमें जरूरत थी। मुझे एक्चुअली दो और बीकन्स चाहिए थे लेकिन अभी मैं तीन बना सकता हूँ जो कि बहुत ज्यादा पिक है। फिर मैंने ओवरवर्ल्ड में जाकर बहुत सारे ऑब्सीडियन तोड़े और उनसे मैंने बनाई तीन बीकन्स को। अभी टोटल मेरे पास 5 बीकन्स है। यहाँ पर मेरे पास बहुत ज्यादा कम फायरवर्क रॉकेट्स बचे थे तो इसीलिए मैं अपने क्रीपर फार्म में आ गया और यहाँ पर मैंने थोड़ी देर AFK करी। ओके गाइस अभी रात हो चुका है तो जाके देखते हैं कि कितना गन पाउडर हुआ। नीचे आकर मैंने देखा कि यहाँ पे ज्यादा गन पाउडर इकट्ठा नहीं हुआ था, पता नहीं इस फार्म को क्या हुआ है। बट एनीवेज कोई बात नहीं, हम लोग पहले जाके सो जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि मुझे ड्यूरेशन 3 का फायरवर्क रॉकेट बनाना चाहिए तो इसीलिए अभी मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ। ये मैंने क्राफ्ट करी ड्यूरेशन 3 का फायरवर्क रॉकेट। ओके, हम लोग ड्यूरेशन 2 के भी थोड़े से रॉकेट्स बनाते हैं। फिर मैंने बाकी ड्यूरेशन 1 का फायरवर्क रॉकेट बनाया। मुझे एक्चुअली ड्यूरेशन 1 का फायरवर्क रॉकेट पसंद आता है क्योंकि उस पे कम गन पाउडर चाहिए। ओके, ये रहे ड्यूरेशन 3 के रॉकेट्स, ड्यूरेशन 2 के रॉकेट्स एंड बाकी के बचे हुए ड्यूरेशन 1 के रॉकेट्स। बहुत बढ़िया। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि एक बीकन में 6 पावर्स होते हैं लेकिन मुझे जंप बूस्ट वाला पावर पसंद नहीं है तो इसीलिए 5 बीकन से मेरा सारा काम चल जाएगा। तो मुझे इससे ज्यादा बीकन्स की जरूरत नहीं है, अभी मेरे पास एग्जैक्टली 5 बीकन्स हैं। ये बहुत अच्छी बात है और बीकन को बनाने के लिए मेरे पास और भी आयरन ब्लॉक्स हैं। ओके, अभी सारे बीकन के लिए ब्लॉक्स इकट्ठे हो चुके हैं। अभी मेरा लास्ट एम था कि मुझे अपने मेगा प्रोजेक्ट के लिए कुछ करना था तो इसीलिए मैं चला गया अपने स्लाइम चंक वाले जगह पे। यहाँ पर से मैंने बहुत सारे स्टोन इकट्ठे किए क्योंकि अभी मैं 256x256 वाला सर्कुलर वॉल क्रिएट करना चाहता था, वो भी स्टोन ब्रिक से, जिससे अपना मेगा बेस का बॉर्डरिंग बन जाएगा। तो या डे 383 को मैंने इस काम को करना स्टार्ट कर दिया। तुम लोग एंजॉय करो टाइम लैप्स को। ओके, तो गाइस ये है डे 398 और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो ये पूरा बॉर्डरिंग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक परफेक्ट सर्कल बनाया है, इसके लिए मैंने एक वेबसाइट की मदद ली है। बट ये बहुत ज्यादा एपिक लग रहा है। एक्चुअली मुझे इस वॉल को और थोड़ा ऊंचा बनाना है बट ये अभी हमारा टाइम खत्म हो चुका है, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एनीवेज ऊपर से देखने पर ये कुछ ऐसा लगता है, कितना परफेक्ट सर्कल लगता है भाई ये। अभी मुझे यहाँ पे बीकन के लिए एक पोडियम बिल्ड करना है तो उसको हम लोग बिल्ड करेंगे ब्लैक स्टोन से एंड अपने पोडियम को मैं बिल्ड करने वाला हूँ पूरे एरिया के सेंटर पे। यहाँ पर ये बहुत ज्यादा एपिक लगेगा एंड इसकी रेंज भी मैक्सिमम रहेगी। पहले तो मैंने इसे ब्लैक स्टोन से कवर कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे बाकी के बीकन्स के लिए एरिया बनाना चाहता था। यहाँ पर रहेंगे हमारे सेकेंडरी बीकन्स और ये कम्प्लीट हो चुका है इसका बॉर्डरिंग। ऐसे मुझे बाकी के तीनों साइड में करने हैं क्योंकि हमारे पास 5 बीकन्स हैं। ओके, तो ये है लास्ट एरिया, इसको हम लोग करते हैं एंड यस अभी ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोगों को बस यहाँ पे बीकन्स को सेटअप करना है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि ये कैसा लग रहा है, पूरे एरिया के सेंटर में बहुत ज्यादा एपिक लग रहा है एंड या अभी हम लोग यहाँ पे बीकन्स को सेटअप करते हैं। पहले हमारा एमरल्ड का बीकन, तो फिलहाल के लिए ये एलिफेंट इन द रूम है, What? मतलब ये इम्पोर्टेंट बीकन है। तो पहले हम लोग इसको बिल्ड करेंगे ऊपर की तरफ। एनीवेज नेक्स्ट वीडियो में ऊपर की तरफ कोई और बीकन आ सकता है, अगर तुम लोगों को पता है मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर मैंने रख दिया बीकन को। ओके, अभी हम लोग गोल्ड के बीकन को रखते हैं
ये रहा इसका बीकन। अभी मैं बाकी के तीन बीकन आयरन के ब्लॉक से बनाने वाला हूँ, तो यह तीनों साइड से हम लोग आयरन के ब्लॉक से बनाएंगे। एंड ये रहा लास्ट बीकन। यस, अभी हम लोग ऊपर से देखते हैं ये कैसा लग रहा है। भाई ये क्या एपिक लग रहा है। लाइक आयरन के बीकन ऑब्वियसली थोड़े से ज्यादा है, बट यह कोई बात नहीं, ये अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग इसमें पावर ले लेते हैं। एमरल्ड के बीकन से हम लोग लेंगे हमारा फेवरेट पावर, जो कि है स्पीड 2 का पावर। बाकी सेकंड पावर हम लोग लेंगे स्ट्रेंथ 2 का, और थर्ड पावर हम लोग लेंगे रीजनरेशन का, जिसके साथ हम लोगों को जंप बूस्ट 1 मिल जाता है। फोर्थ पावर रेजिस्टेंस का, एंड फिफ्थ पावर हेस्ट 2 का। तो गाइस अभी मेरे पास सारे पावर्स आ चुके हैं। जंप बूस्ट का पावर मुझे पसंद नहीं, तो उस हिसाब से मेरे पास अभी सारे पावर्स आ चुके हैं। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो के लिए मैं एम करता हूँ 40,000 लाइक्स का, और जब इस वीडियो पे 40,000 लाइक्स आ जाएंगे तो मैं 500 डेज की वीडियो को अपलोड कर दूंगा, और 500 डेज में कुछ ऑसम से हो सकता है। एनीवेज आई होप कि ये लाइक एम कंप्लीट हो जाए। और एक और चीज, तुम लोग मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं अभी बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। वहाँ पे हमें 1,000 मेंबर्स कंप्लीट करने हैं, तो या अगर तुम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आता है। तो या मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।